हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल वाक्शी एंड क्यूट लव स्टोरी तो सबसे पहले फ्रेंड्स ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना लाइक करते हैं ना ही कमेंट करते हैं बताओ अगर आप ना सब्सक्राइब करोगे कमेंट नहीं करोगे तो फ्रेंड्स कैसे स्टोरी कहने का मन करेगा यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो और कमेंट के थ्रू मुझे बताओ कि आपको फैन फिक्शन कैसे लग रहा है तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी डोंट लिमी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ जी सडनली अचानक उसके स्टमक में पेन होता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है वहीं जब बात जब चेंग और ईबो आईवान एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे तो यहाँ ली चेंग को कॉल करती है जिस पर ईबो भी चेंग के साथ हॉस्पिटल आता है लेकिन वहीं ईबो जब जान को साथ में सामने देखता है तो थोड़ा तो शॉक हो जाता है लेकिन फाइनली वो खुद को अच्छे से संभालता है और वो जाता है तभी आयुआन जो जान को देखता है और अपनी बाहें आयुआन की तरफ करता है जिस पर जान धीरे धीरे आयुआन के पास आता है और वो इबो से आयुआन को लेने की परमिशन लेता है जिस पर इबो फाइनली आयुआन को जान में जान को दे देता है इबो अपने मन में कहता है आखिर मैं कौन होता हूँ वो उसका पिता है और उसे पूरा हक है अपने बेटे को देखने का जितना देर टाइम मैं यहाँ हूँ मैं जानता हूँ पता नहीं क्यों आयुआन भी जान के साथ उतना ही खुश होता है जितना बेटा अपने पिता के साथ पर वो उसके सच में पिता है उन्हें हक़ है अपने बेटे के साथ खेलने का आई एम सॉरी जान गा पर मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा कि तो आयुआन आपका बेटा है ऐसा कहता है वहीं जैसे ही जान आयुआन को अपनी गोद में लेता है वो वहीं पास रखे चेयर पे बैठ जाता है और धीरे धीरे आयुआन के साथ खेलने लगता है तभी एक डॉक्टर उस रूम से बाहर आती है जैसे ही ईबो जंग याली उस डॉक्टर को देखते हैं वहीं वो डॉक्टर के पास जाते हैं तभी चैन कहता है डॉक्टर जी कैसी है तभी डॉक्टर कहती है कोई बात नहीं जी बिल्कुल ठीक है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बस शायद उसे थोड़ा स्ट्रेस हुआ होगा इस वजह से वैसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है वैसे भी उनको ट्विंस भी है इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है बस उनका थोड़ा ख्याल रखिए ऐसा कहती हैं तभी चैंग कहता है डॉक्टर क्या मैं जी से मिल सकता हूँ डॉक्टर कहती है ऑफकोर्स ऐसा कहती हैं चैंग या ली दोनों उसमें अंदर रूम में अंदर चले जाते हैं भी इबू जो जान को ही देख रहा था आयुआन जो जान के साथ खेलने में बहुत बिजी था तभी ईबू जो जान से आयुआन को लेना चाहता था लेकिन जब उसने देखा कि आयुआन जान के साथ कितना खुश है तो वो नहीं कह पाया तो उसे आयुआन को दे दो इसलिए वो भी चुपचाप जी के जी के रूम में चला जाता है वहीं जान आयुआन को अपने साथ खिलाता है और वो उठता है और वो भी वो थोड़ा बाहर की साइड चला जाता है वहीं ली चेंग और ईबो तीनों जी के पास थे जी चेंग को इतना परेशान देखती है तो कहती है तुम इतना परेशान कब से होने लगे चेंग कहता है जी तुम ऐसा कैसे कह सकती हो तुमने मुझे सच में डरा दिया जी एक स्माइल करती है और कहती है तुम्हें तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मैं बिल्कुल ठीक हूँ ऐसा कहती है तभी वो इबो को देखती है और कहती है इबो इबो एक स्माइल करता है और कहता है जी कैसी हो तुम जी कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी तुम यहाँ हो मैं तुम्हें देख बिल्कुल ठीक हूँ ऐसा कहती है चेंग अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है जी तुम ऐसा कैसे कह सकती हो क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो जी कहती है अफकोर्स इडियट मैं तुम्हें देख कर खुश हूँ पर मैं इबो को देख कर बहुत खुश हूँ ऐसा कहती है तभी याली, इबो और जेंग थोड़ी देर जी के साथ बैठते हैं तभी जी कहती है इबो आईन को क्या तुम आयुआन को नहीं लाए मैं आयुआन से मिलना चाहती हूँ तभी याली कहती है वो जान के पास है जी ईबो को देख की तरफ देखती है जी एक स्माइल करता है जी अपन अपने मन में कहती है जान का सच में आयुआन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं पर उन्हें जब ये पता चलेगा कि आयुआन उनका बेटा है तो क्या करेंगे जान का क्या जान का सच में गुस्सा होंगे उन्हें पता होना चाहिए उन्हें हक है अपने बेटे के बारे में जानने का तभी सभी लोग चैंग और याली जो जी को देखते हैं तभी याली कहती है मुझे कुछ खाने को चाहिए चैंग कहता है क्या जी कहती हाँ मुझे बहुत भूख लगा है और वैसे भी तुम्हारे बेबी कह रहे हैं कि वो डैडा से बोलो वो कुछ अच्छा सा खाने को लाए चाहेंगे गहरी सी सांस लेता है और वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ ऐसा कह के वो उस रूम से बाहर निकल जाता है तभी आने जो कहती है ठीक है मैं एक बार जिन जोशियन को कॉल करती हूँ नहीं वो सच में बहुत परेशान हो रहा होगा ऐसा कह के, के वो भी उस रूम से बाहर चली जाती है अब रूम में खाली इबो और जी ही थे इबो जी के पास बैठता है और कहता है जी सच में तुम ठीक हो ना जी कहती है ऑफ़कोर्स तभी इबू और जी थोड़ी देर चुप रहते हैं वो बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे तभी जी एकदम से अपना गला साफ करती है और कहती है इबो इबो कहता है हूँ जी कहती है इबो क्या तुम्हें सच में नहीं लगता कि जान गगा को जान गग्गा को अपनी बेटे के बारे में जानने कहा कि इबो की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं वो बस जी की तरफ ही देख रहा था तभी जी कहती हैं इबो तुमने कल गग्गा को झूठ बोला ना कि तुम्हारी वो कोई भी लड़की तुम्हारे साथ थी पर तुमने गग्गा से ऐसा क्यों कहा कि वो तुम्हारी वाइफ है इबो कहता है जी जी कहती है तुम्हें नहीं पता कल गग्गा ने आकर खुद की क्या हालत कर दी बस खुद को मारने की देर थी मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लगा था जैसे गग्गा खुद के साथ ही कुछ कर लेंगे ईबू की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या तभी जी कहती हैं हाँ तुमने गग्गा से झूठ क्यों बोला ईबू ईबू कहता है मैंने झूठ नहीं बोला गग्गा ने सडनली गलत समझ लिया और उन्हें लगा कि जैनी जी जी मेरी वाइफ है और मैंने भी गुस्से में गग्गा को बोल दिया कि हाँ वो मेरी वाइफ है तभी जी कहती है पर ईबू तुम ऐसा कैसे कह सकती हो तुम्हें पता है गग्गा कल कितना परेशान हो गए थे इबो तुम्हें गग्गा को क्यों नहीं बताया कि आयुआन उनका बेटा है इबो कहता है नहीं जी मैं गग्गा को कभी नहीं बताऊंगा कि आयुहान उनका बेटा है मैं नहीं चाहता मैं आयुआन से दूर भी नहीं रह सकता जी कहती है मैंने कब कहा आयुआन से दूर हो जाऊँ इबो जानगा को एक मौका दे दो वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं तुम्हें पता है तुम्हारे बिना वो तड़प रहे हैं तुमने एक मछली को देखा है जब वो पानी से बाहर आती है तो किस तरीके से तड़पती है बस घग्गा घगा मर नहीं रहे नहीं उनकी हालत उस एक मछली की तरह तरह जो पानी पानी उसके करीब है और वो पानी पे के पास नहीं जा पा रही इसलिए वो बस तड़प रही है वो ये हालत तुम जान गा की समझ लो ए जो कुछ भी नहीं कहता अपना फेस्ट नीचे कर लेता है तभी चैंक जो अंदर आता है चेंगे की स्माइल करता है और जी के सामने बहुत सारा खाना रख देता है ईबो कहता है ठीक है अब तुम अच्छे से खाना खाओ और हमारे दोनों लिटिल चैम्प हैं उन्हें का ख्याल रखो और हाँ मैं अब चलता हूँ मुझे जाना होगा डेबिट करगा मोम मेरा वेट कर रहे होंगे जी कहती है ईबो मैंने जो खाया है उसके बारे में प्लीज़ सोचना ऐसा कहती है उधर हम जान को देखते हैं जान जैसे ही को लेकर थोड़ा कैफिटेरिया में आया था तभी जान का फ़ोन बजता है जान अपना फ़ोन पिकअप करता है और हेलो कहता है उधर से वो एक पर्सन जो कहता है सर मैंने पूरी इंफॉर्मेशन निकाल ली है वो पर्सन जान से कुछ ऐसा कहता है जिस पर जान के फेस में एक स्माइल आ जाती है जान कहता है तुम श्योर हो ना वो पर्सन कहता है ऑफकोर्स सर मैं हंड्रेड परसेंट श्योर हूँ यही सच है जान एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है थैंक यू सो मच ऐसा कहता है और फ़ोन रख देता है वहीं हम ईबो को देखते हैं वहीं हम ईबो को देखते हैं जो जैसे ही रूम से बाहर आता है वो जान को इधर उधर देखता है लेकिन उसे जान कहीं नहीं दिखता एक पल के लिए ईबो घबरा जाता है और वो इधर उधर दौड़ने लगता है जय इबो के फेस पूरा स्वेट से गिर गया था इबो अपने मन में कहता है क्या जान का जानका मेरे आयुआन को लेकर चली गई का को पता है आयुआन उनका बेटा है क्या का मुझे मेरे बच्चे से दूर कर देंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता जान का मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते ऐसा कहता है एकदम से उसका चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ जाता है वो बस सामने इधर उधर जान को देख रहा था तभी जान जो आयुआन को गोद में लेकर सामने से आ रहा था आईवान जो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और जान जो आयुआन के पेट पर उसके गालों पर धीरे धीरे टिकलिस कर रहा था जिस वजह से आयुआन को बहुत आया था आयुआन कहता है रुक जाओ ऐसा नहीं करो तभी जान कहता है पर मुझे अपने बच्चे को इस तरीके से देखना बहुत अच्छा लगता है ऐसा कहता है तभी आयुआन जोर जोर से हंसने लगता है आयुआन जैसे ही सामने ईंपो को देखता है कहता है मम्मा हायुवान को जैसे ही देखता है वो दौड़ता है और सीधा चांद की गोद से आयुआन को ले लेता है और उसे टाइटली हक कर लेता है चाँद कहता है क्या हुआ ईबो तुम इतना घबराए हुए क्यों ईबो जो चांद की तरफ देखता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाता तभी जान एक स्माइल करता है और कहता है ओ मुझे पता चल गया शायद आयुआन की मम घर पर उसका वेट कर रही होगी ये सुनकर ईबो जो बस चान की तरफ ही देख रहा था उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती हैं तभी जान कहता है मैं समझ सकता हूँ एक माँ को अपने बच्चे की बहुत फिक्र होती है खैर कोई बात नहीं मैं समझ सकता हूँ आखिर वो आयुआन की माँ है, है न इबू ईबू जो बस जान की तरफ देख रहा था वो जान से कुछ भी नहीं कह पा रहा था क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था जान जिस तरीके से इबू से बात कर रहा था इबू पूरी तरीके से कन्फ्यूज़ था तभी जान कहता है ऐसे ईबू तुम्हारी वाइफ सच में बहुत ब्यूटीफुल है और ईबू घर मैंने जो कुछ किया उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था पर शायद मैं थोड़ा जलस हो गया और गुस्सा भी क्योंकि मैं तुम्हें किसी के साथ सोच भी नहीं सकता है ना इबो इबो जो बस जान को ही देख रहा था तभी जान एक स्माइल करता है और इबो के फेस उस ईबो के घालों पे अपना हाथ रखता है और उसकी चिप को सहलाने लगता है ईबो जिसकी बॉडी शिवर करने लगी थी तभी इबो कहता है ज, ज, जान का आप क्य, क्या कर रहे हैं जान कहता है क्यों क्या हुआ इबो? पहले तो तुम्हें ये बहुत पसंद था ना जब मैं इस तरीके से तुम्हारे चिक्को सहलाता था तो तुम बहुत खुश होते थे तभी इबो कहता है जान का वो वो टाइम अलग लगता और मुझे जाना होगा ऐसा कहता है छान कहता है पर मैंने तुम्हें कहाँ रोका ईबो ईबो जैसे ही जान की ये बात सुनता है तो वो बस जान को ही देख रहा था क्योंकि ईबो को समझ ही नहीं आ रहा था जान का ये बिहेव आखिर जान इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है तभी ईबो कहता है ठीक है मुझे जाना है ऐसा कहता है तभी जान आयुआन की तरफ देखता है और उसके उलट पे किस करता है सडनली आयुआन कहता है डैडा जैसे ही ईबो आयुआन को देखता है जान भी पूरी तरीके से शौक था कि किस तरीके से हाईवान ने जान को डेडा कहा ई कहता है आयुआन, जान का तुम्हारी डेडा नहीं है समझे तुम ऐसा कहता है आईवान फिर से कहता है डेडा बाय बाय पता नहीं क्यों पर जान को इतनी खुशी हो रही थी अपने अंदर कि वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता कि जब हाईवान ने उसे डेडा कहा तो पता नहीं क्यों उसके अंदर एक अलग ही फीलिंग एक अलग ही बेचैनी और एक अलग ही वार्मनेस फील हुई जो उससे पहले कभी नहीं हुई उसके अंदर एक मिक्स इमोशंस था जो क्या है उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था वो आईवान की तरफ देखता है और कहता है वैसे बेबी अगर तुम मुझे चाहो तो मुझे डेडा कह सकते हो क्योंकि वैसे भी तुम अपने डेडा को तो मम्मा कहते हो ना इबो की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं इबो कहता है जान का आप ये क्या कह रहे हैं आईवान से ये तभी जान जानबो के बिल्कुल फेस के सामने आ जाता है ईबो जैसे ही जान की सांसों को अपने फेस के सामने इस तरीके से फील करता है तो उसकी बॉडी शिवर करने लगती है तभी जान एक स्माइल करता है कहते हैं इबो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है बाबे जैसे ही ईबो जान के मुँह से बावे सुनता है वो बड़ी बड़ी आँखें कर लेता है और कहता है जान का आप क्या कह रहे हैं आपको ये सब नहीं कहना चाहिए जान कहता है पर बेबी हे तो तुम्हें पहली बेबाव भी कहता था ना ऐसा कहता है ई बो जो पूरी तरीके से डर जाता है तभी वो कहता है म, म, मुझे घर जाना है ऐसा कहता है और वो जल्दी से जान को अपने सामने से दूर करता है और वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है जान जो एक बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है ई बो तुम तो मुझसे कब तक दूर भागोगे है अब तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा समझे तुम ऐसा कहता है और एक इस्तेमाल करता है तभी जान कहता है बस कल तक वेट करो ये भी हूँ मुझे सारा सच पता चल जाएगा उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरे रहोगे उसके बाद वो जी के रूम में जाता है और जी के बारे में हालचाल पूछता है यानली चेंग और जी देख पा रहे थे जान बहुत खुश था तभी ली कहती है जान क्या हुआ तुम आज बहुत खुश हो जान कहता है जी, क्या मैं खुश नहीं रह सकता यानली कहती है ऑफकोर्स हम तो यही चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो तभी चैंग एक स्माइल करता है और कहती है जी, बस कुछ टाइम और उसके बाद आप सब भी जो सुनेंगे बहुत खुश हो जाएंगे एक्चुअली जान को लगता है कि चैंग और यानली को कुछ पता ही नहीं है जबकि चैंग और यानली को सब कुछ पता है वो लोग एक गहरी सी सांस लेते हैं चैंग और यानली दोनों एक दूसरे की तरफ़ देखने लगते हैं तभी जान कहता है ठीक है चैंग मैं ऑफिस जा रहा हूँ मैं ऑफ़िस का सारा काम संभाल लूँगा तुम जी को लेकर घर जाओ और उसके साथ रहो उसका ख्याल रखो चैंग कहता है चांद वहाँ से चला जाता है जी कहती है सीझे क्या जान का को पता चल गया हाँ आयुआन के बारे में यानली कहती है मुझे नहीं पता अगर जान को पता चल जाता तो वो इस तरीके से बिहेव नहीं करता ऐसा कहती है तभी चैन कहता है खुश तो गड़बड़ है सीजे मुझे जरूर लग रहा है खुश कर पर तो है घगा घग्का इतनी खुश ईबो जा, के जाने से के बाद कभी नहीं रहे जब ईबो साथ थे तब जगह गगा इतने खुश रहते थे क्या 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 बात है सीजे हांडी कहती है मुझे नहीं पता पर मैं आज जान कुछ तरीके से खुश देख कर मुझे बहुत अच्छा लगा है ऐसा कहती है उधर हम ईबो को देखते हैं ईबो जो जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर जाता है और वो सीधा उस पार्क में जाता है वहाँ से अपनी कार लेता है और सीधा मेंशन के लिए चला जाता है जैसे ही वो अपने घर में पहुँचता है ईबो जो पूरी तरीके से थोड़ा कंफ्यूज था वो सोच रहा था आखिर जानका इस तरीके का बिहेव क्यों कर रहे थे क्या बात है, क्या जानका को आईवान के बारे में पता चल गया पर नहीं अगर जान खा को अभियान के बारे में पता होता तो वो सच में मुझसे कई सारे सवाल पूछते पर उन्होंने कुछ नहीं पूछती पूछा पर उनका बिहेव बहुत अजीब था ऐसा क्यों था ऐसा कहता है तभी वो अंदर उनकी कार मैंसन के सामने रुकती है और वो जल्दी कार से बाहर उतरता है और मैंसन में अंदर एंटर करता है जहाँ वो देखता है कि जैनी और मिसिस वांग दोनों वहीं बैठकर कुछ बातें कर रही थी तभी जैनी जैसे ही ई को देखती है इबू जैसे ही जैनी और अपनी मम को देखता है वो एक गहरी सी सांस लेता है और एक छोटी सी स्माइल करता है जैनी कहती है ईबो तुमने इतना टाइम कहाँ लगा लिया और डेविड तुम्हें कब से कॉल कर रहा है और पता है डेविड इतना परेशान हो गया कि फाइनली वो तुम्हें देखने के लिए बाहर चला गया इपू कहता है क्या, क्या? तभी जैन जैनी कहती है, हाँ तभी इबू कहता है मैं तो बस पार्क में था लेकिन तभी मुझे चैंग का कॉल आया और जी की सडनली हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी इसलिए मैं और आयुआन जी को देखने चले गए जैनी कहती है इबो इबो कहता है जैनी जी जी मैं ठीक हूँ आप इतना मत सोचिए और वैसे भी जी और चैंग मेरे दोस्त हैं आप जानती हैं ना जी जैनी एक गहरी सी सांस लेती है मिसेस वाम कहती हैं इबो क्या जी ठीक है इबो कहता है हाँ सी हाँ मम्मा उसे बस ट्विंस पे भी है ना इस वजह से उसे कभी कभी थोड़ी बहुत पेन इस तरीके का स्टार्ट हो जाता है डॉक्टर ने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक है ऐसा कहती है फाइनली मिसेस बाग भी एक रिलैक्स की सांस लेती हैं उसके बाद ईबो कहता है ठीक है मैं अपने रूम में जाता हूँ मैं फ्रेशन अप होके ख़ुद को आईवान को फ्रेशन अप करके लाता हूँ ऐसा कहता है आईवान जो ईबो के शोल्डर पर सो चुका था क्योंकि वो भी जान के साथ खेलते खेलते थक गया था ईबो ऊपर जाता है वो जान को पहले वो सबसे पहले आईवान को बेड पर लेटाता है और बस आईवान को देखता है वो आईवान से कहता है आईवान तुमने जान का को डेडा क्यों कहा बेटा मैं जानता हूँ वो तुम्हारे डेडा है लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम तुम तु, तु, तुम्हें उन्हें पता चले कि तुम उनके बच्चे हो ऐसा कहता है इबू की आंखों में आंसू आ जाते हैं वो अपने आँसुओं को क्लीन करता है और वॉशरूम में चला जाता है उधर हम जान को देखते हैं जान जो अपनी ऑफिस में था और बस ईबू और आयुआन के बारे में ही सोच रहा था आयुवान कहता है जान कहता है अगर ये सच है तो ईबू मैं, मैं मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकता तू तो मेरी जान हो ऐसा कहता है और मैं तुम्हें हमेशा अपने सीने से लगा के रखूँगा एक बार अपने गगा को बस एक चांस दे दो ऐसा कहता है और वो अपना वर्क करने लगता है अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं जान जो अपनी ऑफिस में बैठा हुआ था तभी एक पर्सन जो अंदर आता है और जान के सामने एक एक पार्सल देता है जान तभी वो पर्सन कहता है ये डॉक्टर सिंह ने आपके लिए भिजवाया है जान एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है ऐसा कहता है वो पर्सन वहाँ से चला जाता है जान के हाथ पूरी तरीके से शेक कर रहे थे उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी तभी धीरे धीरे वो उस लिफाफे को लेता है और उसे ओपन करने लगता है वो धीरे धीरे उसे निकालता है उसे उसकी उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे आसपास पास कुछ भी नहीं है बस वो है और उसके हाथ में वो लिफाफा वो धीरे धीरे उस रिपोर्ट को निकालता है और उसे ओपन करता है लेकिन जैसे ही उस वो रिपोर्ट को पढ़ता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं वो बस उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट थी कि उस रूम में सुन सकते थे वो कहता है ये कैसे संभव है पर ये सच है क्या सीजे ने सच कहा था क्या 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 ये तभी वो एक बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है ईपो तुम सिर्फ मेरे हो ऐसा कहता है तो फ्रेंड्स नेक्स्ट बार इसका हम कल देखेंगे और आपको क्या लगता है आखिर उस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसे देखकर जान इतना खुश हो गया है अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना वो स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बाय बाय टेक केयर